चिताओं का खेल है, जहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, पिछले एक हफ्ते को ही देख लीजिए, जहां एक नहीं बल्कि दो उलट फेर देखने को मिले। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराने के बाद अफगानिस्तान के हौसले बुलंद है। वहीं 16 साल बाद वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराकर नीदरलैंड्स ने भी जीत का खाता खोल ही लिया। लेकिन अब बारी है भारत और बांग्लादेश के मुकाबले की, जहां भारतीय टीम अब तक खेले अपने तीनों मैच में जीत चुकी है। तीनों ही मुकाबले में भारत की जीत का नायक अलग अलग खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के पसीने इस वजह से छूट रहे हैं, तो आप थोड़े गलत भी हो सकते हैं। ये उसकी टेंशन बढ़ाने की दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन पहली और बड़ी वजह यह है कि शाकिब हसन की इंजरी। चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में लगी चोट के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब हसन का भारत के खिलाफ खेलना मुश्किल नजर आ रहा है, और यही सस्पेंस बांग्लादेश की टीम की चिंता भी बढ़ा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की, वेदर रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट की, और फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। वनडे क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 40 मैच खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 31 मैच में जीत हासिल की है। वहीं शाकिब हसन की अगुवाई वाली टीम ने 5 मैचों में जीत दर्ज की है। साल 2014 में खेले गए इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था। इस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया बांग्लादेश से आगे है और अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेगी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश की टीम ने भारत के खिलाफ वनडे मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और कड़ी टक्कर भी दी है। एशिया कप 2023 में खेले गए ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश ने भारत को हराया था, जो इस साल दो टीमों के बीच खेला गया एकमात्र वनडे मैच था। पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश ने भारत को 3 वनडे मैच की सीरीज जो थी वो 2-1 से हरा दी थी। तो ये था दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में हेड टू हेड आंकड़ों की। अब बात करेंगे पुणे की वेदर रिपोर्ट के बारे में। पुणे में 17 अक्टूबर को आसमान में बादल छाने की पूरी संभावना है, लेकिन बारिश होने की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। पुणे में बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में फैंस को भारत और बांग्लादेश के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो हमने बात कर ली दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की, वेदर रिपोर्ट की। अब बात करेंगे एमसीए स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। पुणे स्थित एमसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए सही मानी जाती है। इस मैदान पर अभी तक कुल 7 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, उनमें से टीमों ने 8 बार 300 से ज्यादा रन बनाए। यहां वनडे मुकाबले में एक बार भी 225 से कम का रन नहीं बनाया। यहां गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं होने वाला है। साल 2017 में इस मैदान पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 351 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। 2021 यहां भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैच हुए थे और 5 बार 300 से ज्यादा रन बने थे। इससे साफ है कि पुणे की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होगी। वहीं बांग्लादेश की ताकत उनके स्पिन गेंदबाजी है, यानी पिच धीमी हो और उसमें टर्न ना हो बांग्लादेशी टीम घातक हो जाती है। दूसरी ओर भारत की स्पिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन टीम की ताकत बैटिंग है। इसके साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज टीम में है। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच हुई तो बांग्लादेश के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो हमने बात कर ली हेड टू हेड आंकड़ों की, वेदर रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट की। अब नजर डालते हैं क्या है पॉइंट्स टेबल का हाल। इंग्लैंड को अफगानिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड्स ने हरा दिया। इन दो बड़े उलटफेर के बाद पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बन गई है, जबकि दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड के भी 6 पॉइंट्स हैं। चौथे नंबर पर पाकिस्तान, पांचवें नंबर पर इंग्लैंड और छठे स्थान पर अफगानिस्तान की टीम है। सातवें नंबर पर बांग्लादेश और आठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका को हराकर नीदरलैंड्स की टीम 9वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं वनडे विश्व कप इतिहास में भी बांग्लादेश के खिलाफ भारत आगे है। बांग्लादेश ने साल 2007 में पहले वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत को हरा दिया था, लेकिन मेन इन ब्लू ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ पिछले 3 वर्ल्ड कप मैचों में जीत हासिल की है। भारत ने आखिरी बार विश्व कप 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जब रोहित शर्मा ने तूफानी शतक लगाया था और टीम ने 28 रनों से जीत हासिल की थी। वनडे वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 3 और बांग्लादेश ने 1 मैच जीता है। लेकिन इसके बाद उसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। शाकिब हसन चोट की वजह से परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ अहम मैच से पहले उनके ठीक होने की पूरी संभावना है। क्या अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की तरह बांग्लादेश भी कल के मैच में कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक